कारों की दुनिया अगले कुछ साल में देश और दुनिया भर में तेजी से बदलने के लिए तैयार है, बल्कि ये बदलाव अब शुरू भी हो चुका है। अगर भारत की ही बात करें तो 2022 में पहली बार 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का रिकॉर्ड इस साल महज 9 महीनों में ही टूट चुका है। हालांकि अभी तक भी इनकी महंगी कीमतों के चलते ग्राहक इन्हें बेहद धीमी रफ्तार से अपना रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी इनोवेशन एंड सिस्टम ट्रांजिशन यानी EEISD का कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बराबर या इससे भी कम हो जाएंगी। EEISD की एनालिसिस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यूरोप में 2024, चीन में 2025, अमेरिका में 2026 और भारत में 2027 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम पेट्रोल डीजल कारों के बराबर या उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि 2030 तक बैटरी की घटती लागत दुनिया भर में ईवी को पेट्रोलियम गाड़ियों से सस्ता बना देगी। EEISD ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर का एक खास रिपोर्ट है। इसके मुताबिक भारत में ईवी की हिस्सेदारी एक साल में 0.4% से 3 गुना बढ़कर 1.5% हो गई है, जबकि दुनिया को ये मुकाम हासिल करने में 3 साल लगे थे। अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यानी RMI और बेजोस अर्थ फंड का कहना है 2030 तक ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में 2/3 से ज्यादा हिस्सेदारी ईवी की ही हो सकती है। पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री 2017 में अपने पीक पर पहुंच गई थी, लेकिन अब मौजूदा दशक के मध्य तक जितनी नई पेट्रोलियम गाड़ियां बिकेंगी उससे ज्यादा स्क्रैप हो जाएंगी। इस दशक के खत्म होने तक दुनिया में ईवी सेगमेंट का ऑटोमोबाइल मार्केट पर दबदबा कायम हो सकता है। अनुमान है कि 2030 तक ईवी की सेल्स 6 गुना बढ़ जाएगी। नए वाहनों की सेल्स में ईवी की 62% से 86% हिस्सेदारी होगी। इस बढ़ोतरी की वजह बैटरी लागत में बड़ी कमी आने का भरोसा है। अनुमान है कि मौजूदा दशक में बैटरी लागत $151 से घटकर $60 से $90 प्रति किलोवाट आवर रह जाएगी। वहीं ई कारों की बिक्री बढ़ने से टू व्हीलर, बस, ट्रक जैसे वाहनों में भी इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच ईवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा उछाल का फायदा चीन को मिलेगा। 2030 तक 90% ईवी की बिक्री होने का अनुमान है। फिलहाल चीन में बिकने वाले कुल वाहनों में 33% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। जाहिर है जब ईवी की बिक्री इस तरह से छलांग लगाएगी तो फिर ऑयल की डिमांड में तेज गिरावट आएगी। इसके असर से आशंका है कि क्रूड की ग्लोबल मांग अपने 2019 के उच्चतम स्तर को अब दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाएगी। 2030 के बाद तो इसमें सालाना 10 लाख बैरल की कमी आने के आसार हैं। अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर के अपने लिथियम भंडार की नीलामी की तैयारी कर रही है। इसके बाद भारत के लिए भी ईवी में आत्मनिर्भर बनने का बड़ा मौका हाथ आने वाला है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।